मित्रों, आपका फिर से सुभाष गार्डन में स्वागत है। आज हम आपको वाटर लिलीज के बारे में बताएंगे। बहुत से लोग पसंद करते हैं अपनी छत पर वाटर लिलीज को उगाना। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यह है निम्फिया पर्पल जो है, बहुत सुंदर लिली है, ट्रॉपिकल लिली है। और सबसे बड़ी बात ये विविपेरस है, और ये जाड़े में भी इतने अच्छे फूल दे रही है, जो कि सामान्य रूप से ट्रॉपिकल लिलीज जाड़े में इतने अच्छे फूल नहीं दे पाती हैं। यह है निम्फिया पर्पल जॉय। इसी तरह से हमारे पास एक और है, ये जो आपकी इसमें देख रहे हैं, यह है निम्फिया लिंसेवुड। इसमें आप जो देख रहे हैं पत्तियां इसकी थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। इसी तरह से निम्फिया कोलोराडो दूसरी स्पीसीज जो थोड़ा हार्डी होती है वो ये है। ये देखिए जो हार्डी स्पीसीज है, ये लेकिन इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है, देखिए कितना सुंदर है अंदर से पीला, फिर इसके बाद इसके जो पेटल्स हैं वाइट हैं, बाहर से ये पर्पल है। अच्छा, एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, जो बीच बीच में आप डकवीड इसमें देख रहे हैं, डकवीड हमने डाल रखा है इसमें। डकवीड डालने से क्या होता है, कई बार मच्छर इसमें अंडे नहीं दे पाते उतने, जब ऊपर से ढकी रहती है इसकी जो लेयर सी पानी की ऊपर से तह जब ढकी रहती है तो मच्छरों की ज़्यादा समस्या नहीं होती। ये आपका डकवीड है। इसी तरह से इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपके बीच में थोड़ा चौड़ी पत्ती वाले पौधे हैं, ये हैं वाटर कैबेज। कई बार लोग जानना चाहते हैं कैसे लगाएं हम इसको, इसको हम ट्यूबर से राइजोम से भी इसको लगा सकते हैं, और इसको फरवरी मार्च में लगाना उचित रहता है, या जुलाई अगस्त में भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए प्लास्टिक के टब हमको सामान्य रूप से जो आपके ये करीब 18 इंच से 24 इंच के प्लास्टिक टब पर्याप्त होते हैं। कई बार लोग स्ट्रक्चर बना के पॉलीथीन का प्रयोग करके भी उसमें पानी भर देते हैं, नीचे करीब 6 इंच मिट्टी रहती है, उससे भी काम चल जाता है, या लोग टब में बना उसको लगा के उसके अंदर रख देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिट्टी प्रयोग करते हैं, जो आपका खाद का मिक्सचर लोग गमले में लगाते हैं उसको नहीं प्रयोग करना चाहिए। उसको प्रयोग करने की बजाय अगर आप इसमें एक भाग वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद और 3 भाग मिट्टी है तो सबसे नीचे लेयर लगाएंगे, उसकी एक तह जैसी एक लेयर लगाएंगे उसकी जो आपकी खाद की, उसके ऊपर 3 लेयर उसी मोटाई की मिट्टी की लेयर होंगी, उसके बाद आप पानी भर के उसमें आप पौधे लगा सकते हैं। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो ट्रॉपिकल लिली है निम्फिया पर्पल जो है, ये वास्तव में विविपेरस है। विविपेरस थोड़ा हार्डी होती है, जाड़े में भी अच्छे से फूल दे पा रही है। ये जो आप नवंबर में फूल देख रहे हैं इसमें, इसका कारण यही है कि थोड़ा सा हार्डी है और ये अच्छे से फूल दे पा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात ये विविपेरस, विविपेरस का मतलब होता है कि कोई भी पौधा ऐसा जो कि पौधा का भाग पत्ती या फल जो कि पेड़ से लगा है, फिर भी उसमें एक नया पौधा पैदा करने की क्षमता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं, इसके जो आप पत्ती ध्यान से देखिए, अगर पत्ती का ये जो बीच में निशान जैसा दिख रहा है ये भाग, ये जो आप पत्ती का इस नोच जैसी यहाँ से दिख रही है, यहाँ वास्तव में ये तने से जुड़ी रहती है। ये पत्ती जो तने से जुड़ी रहती है तो ये जो है आपकी, ये देखिए आपकी यहाँ से भी है, तो यहाँ से वास्तव में इसमें नया पौधा बन सकता है। क्या होता है, जब नई पत्ती बन जाती है बढ़िया से, अच्छे से फैल जाती है पानी के ऊपर, उसी समय अगर थोड़ा सा नीचे से पत्ती को, अगर आप थोड़ा नीचे से इसको, जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखिए, तो इसको हमने इसमें इसी तरह किया था, करीब 1 फुट नीचे से इसको पिंच कर दिया गया था। इसके बाद ऊपर जब छोड़ दिया गया तो ऊपर से ये नीचे से निकलना शुरू कर देता है, और इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से एक थोड़ा सा ग्रोथ टाइप की दिख रही है, पत्ती ऐसी निकल रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से पौधा सा निकलता है और नीचे उसी में जड़ें बन जाती हैं। अब अगर हम इसके बाद की स्टेज, ये पहली स्टेज आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद की अगर हम स्टेज आपको दिखाएं तो ये पौधा बाद में इस तरह से बन जाता है, और ये बड़े अच्छे से इस तरह से पौधा आपका, ये देखिए ये पौधा नया पौधा बन जाता है, और ये गांठ जैसी, वही गांठ है जो आपकी थोड़ी सी गांठ जैसी दिख रही है, उसमें जड़ें बननी हैं। तो इस तरह से आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। एक एक पौधा 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये तक का लोग बेचते हैं, इतना लिलीज महंगी आती हैं, और इसलिए इसको व्यावसायिक स्तर पर आपकी शौकिया तौर पर जैसे भी चाहें आप उगा सकते हैं, नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप भी इसको करें और इसका आनंद उठाएं अपनी छत पर, या व्यवसाय की दृष्टि से, या इसी तरह से जो भी आपको पसंद हो,
उस तरह की आप लिलीज का अपने यहाँ संग्रह कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये आपकी निम्फिया कोलोराडो है, इस समय इसमें फूल नहीं आ रहा लेकिन बहुत अच्छी पत्तियाँ हैं इसकी, ये जो आप ये देख रहे हैं। तो इस तरह से आज हमारा उद्देश्य यही था कि आपको हम अपने चैनल पर ये आज निम्फिया या वाटर लिलीज के बारे में बताएं और कुछ चीज़ें जो आपके मन में शंका हो वो दूर हो जाए, यही मेरा उद्देश्य था। धन्यवाद।